दे, मशीन एंड मी और आज मैं पहुंच चुका हूँ अंकुर इंजीनियर के शोरूम में और जिस बाइक के बारे में आज हम लोग ढेर सारे बात करेंगे वो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल है उसका कौन सा बाइक है क्या मज रहा है चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और वो बाइक है जावा, 42. और जिस कलर की बात कर रहा था वो है ये वाला कलर क्रोम ब्लैक भाई ये बाइक तो पहले से ही बहुत ही यूनिक था अब ये इस क्रोम ब्लैक कलर कम्बिनेशन के वजह से इसका जो चार्म है जो एट्रैक्शन है पहले से कई गुना बढ़ चुका है और ये बाइक मेरे ख्याल से बहुत ही स्पेशल बाइक है क्योंकि ये जो बाइक है इसका जो इंजन है इसका जो प्राइस है और सबसे ज़्यादा इसका जो लुक से जो फील है ये इससे कई गुना ज़्यादा महंगी बाइक के तरह आपको देने वाला है क्यों जस्ट आप गूगल कर लो ट्रम बवल बूबा तब आपको समझ में आ जाएगा मैं खुद उसको चलाया हूँ उसमें बैठा हूँ मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बेतुकी बात में बोल रहा हूँ ये सेम कलर में आपको देखने को मिलेगा बूबर का जो डिजाइन लैंग्वेज है वो ऐसा ही होता है पर ओवरऑल इस बाइक का जो एट्रैक्शन है मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाइक इस प्राइस रेंज में जो एट्रैक्शन आपको दे रहा है वो जस्ट इससे कई गुना ज्यादा प्राइस वाला लगभग ट्वेल्व लाख रुपीज उसका प्राइस है उसके जैसा ही है तो मैं एक बाइक के पीछे ट्वेल्व लाख ,00 रुपीज खर्चना नहीं चाहता हूं पर मुझे वो वाला फील चाहिए तो इंडियन मार्केट में दिस इज द ओनली बाइक यू कैन से जो आपको वो देने वाला है एक अलग ही रुतबा है इस बाइक का <laughs> और सिंगल सीट में ये आता है सो सिंगल माइंडेड पीपल के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है अगर आप बाद में चाहो तो इसके ऊपर एक्सरसाइज डाल सकते हो एक्स्ट्रा स्पेयर सीट लगा सकते हो वो खैर अलग बात है पर जस्ट है लुक अब एंगल बोलिए हर एक एंगल से आपको दिखाऊंगा और हर एक एंगल से जब अब इस बाइक को देखोगे तब एक ही बात बोलोगे भाई क्या लगता है ये वही बहुत ही प्यारा ये कलर कम्बिनेशन है एक बार देख लीजिए नज़दीक से क्रोम है यहाँ पे ब्लैक है जावा का ब्रांडिंग है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्ण से जो इस कलर कम्बिनेशन के लिए और भी प्रोमिनेंट हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे जावा का ब्रांडिंग है और यहाँ पे आप थाई ग्रिप देख सकते हो ये सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर है और यहाँ पे भूबर का ब्रांडिंग है यहाँ पे भी आप देख सकते हो जावा मोटरसाइकिल का ब्रांडिंग है और ये जब आप होल्ड करोगे ये स्विल नाइस क्रोम में है जस्ट हैव अ लुक कितना प्यारा लग रहा है ये और ये सीट पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका था अभी इस कलर कॉम्बिनेशन के लिए ए सीट और भी ज़्यादा निखर रहा है एक्चुअली थ्री कलर्स आप देख सकते हो नीटली डिजाइन स्टीच बहुत ही कंफर्टेबल है अगेन मैं ये बात बोलूंगा दावे के साथ बोलूंगा अब हो सके तो ट्रायम का बोनाफिल बुबर में एक बार बैठ के देखो उसके बाद आके इस वाला सीट पर बैठ के देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा और यहाँ पे जावा का ब्रांडिंग भी है और मैं तो शोरूम में आने के बाद इसे देखता ही रहा हूँ इतना प्यारा लग रहा है भाई बहुत ही बहुत ही अट्रैक्टिव है और एक्चुअली इस बाइक का सबसे प्यारा जो एंगल है वो है ये ये बहुत मस्कुलर लगता है इसका जस्ट इस एंगल से एक बार देखिए सनलाइट उस तरफ से आ रहा है तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है सो अभी तो उतना समझ में नहीं आएगा आपको पर तो वो एंगल इस बाइक को देखने में सबसे प्यारा एंगल है क्योंकि ये इसका जो मस्कुलरिटी है उस एंगल से आराम से आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो तो एग्जॉस्ट है डुएल बैरल एग्जॉस्ट है और इसका जो साउंड है आपको सुनाऊंगा थोड़ा देर बाद में तो पहले बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में जैसे कि फ्रंट में आपको थर्टी फाइव मिलीमीटर mm टेलीस्कोपिक फोर्ट मिलेगा यहाँ पे डुएल चैन ए बी ए बेबे का कैलीपर है और यहाँ पे फ्रंट में टू फोर्टी मिलीमीटर का डिस्क आपको मिलेगा ये जो टायर है बहुत ही प्यारा लुक्स के साथ आता है सीट का यह टायर है और फ्रंट में आपको हंड्रेड बाई नाइन्टी सेक्शन का एटीन इंच का टायर भी मिलेगा और इसका लुक्स बहुत ही अच्छा है और एक बार इस हेडलाइट को देखिए छोटा है बीच में 42 का लोगो है एलईडी है बहुत ही पावरफुल है और यहाँ पे क्रोम का भी आप देख सकते हो स्ट्रीप देख सकते हो यहाँ पे छोटा है पर एलईडी और बहुत ही पावरफुल टर्निंग इंडिकेटर भी है और जस्ट एवे लुक फ्रॉम दिस एंगल इज इट इट अ डैम ब्यूटीफुल मैन और वही यहाँ पे हैंडल माउंटेड आपको मिरर भी मिलेगा स्विच का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इसका टच जो है बहुत अच्छा लगेगा आपको किल स्विच है ये हैज़ट का स्विच है इग्निशन का स्विच है यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम अब स्विच एक ही जगह से मेनू को टगल करने के लिए स्विच से टर्निंग इंडिकेटर हॉर्न के लिए है और यहाँ पे आपको दो यूएसवी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे भी आप क्रोम देख सकते हो और इसे देखने के लिए यू नीड टू टर्न ऑन द कीज़ फ्रॉम हियर और ये है कुछ ब्यूटीफुल सा इसका डिस्प्ले राउंड है ब्यूटीफुल है रेट्रो वाइब भी देता है येट ये मॉडर्न है तो यहाँ पे आप आर देख सकते हो स्पीडो देख सकते हो गियर पोजिट इंडिकेटर देख सकते हो टाइम है ए बी एस है डूएल चैनल ए बी एस उसके लिए इसका ब्लिंकर है न्यूट्रल में है ये गाड़ी साइन है फ्यूल के लिए साइन है और इसे चाहो तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो ट्रिप भी हो गया ओडो हो गया तो ये था कुछ माजरा इसका साउंड में बाद में सुनाऊंगा पहले बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं तो यह है इसका इंजन, इसका केसिंग जो है बहुत बड़ा है भाई और ये जो इंजन है ये थ्री थर्टी फोर का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल डीओ ए वाला इंजन है यहाँ से आपको ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन टू न्यूटन मीटर मैक्स, मैक्स टॉर्क मिलेगा ओरिजिनल जावा 1929 का बैचिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम जैसे लगने वाला कुछ पेंट है एक्चुअली ये पेंट नहीं है इसको जस्ट पॉलिश किया है तो इसीलिए ये क्रोम जैसा वाइब दे रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेडिएटर है और 42 का बैचिंग है और फिर से आगे रेयर में बहुत ही प्यार लगता है मुझे इस एंगल से इस बाइक को देखना बार बार भाई बोल रहा हूँ मुझे पता है और आपको यहाँ पे 240 मिलीमीटर mm का डिस्क मिलेगा सेट का बहुत प्यारा सा एक टायर भी आपको यहाँ पे मिलेगा बेसिकली ये जो टायर है ये बहुत चौड़ी भी है ये 240 फोर्टी मिली भी ये हंड्रेड फोर्टी बाई सेवेंटी सेक्शन का सेवनटी टायर है जस्ट है लुक आपको पता चलेगा कितना चौड़ी है ये और स्पोर्टी भी है और यहाँ पे देखो तो इसका मोनोशॉक आप देख सकते हो ये जो मोनोशॉक है ये सेवन स्टेप एडजस्टेबल है गैस फिल्डर्ड है ये और बहुत ही प्यारा तरीके से इसको डिज़ाइन किया है जावा बालों ने और एक जो चीज़ में भूल गया था दिखाने को आपको वो है इसका एलॉय अब जब रॉयल एनफील्ड वाले को देखते हो वो बाइक खरीदने के बाद कस्टम कर लेते हैं इस एलॉय को और जावा बालों ने ये एलॉय इसमें फैक्ट्री फिटेड दे रहा है और इस एलॉय के लिए इस टायर का जो लुक है और भी निखर के बाहर आ रहा है तो भाई ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो अभी एक काम करते ये डबल क्रेडल फ्रेम वाला 740 फोर्टी मिलीमीटर सीट हाइट वाला इस बाइक के ऊपर एक बार बैठते और इसका साउंड भी आपको सुना देते हैं और एक जो चीज़ है कितना लंबी है ये गाड़ी आपको इस एंगल से पता चलेगा बेसिकली ये 1485 मिलीमीटर mm लॉन्ग है सो so ह्यूज़ बहुत बड़ा है इसका व्हील बेस तो अभी बैठते हैं और इसको साउंड को आपको सुनाते हैं तो अभी इस बाइक में बैठेंगे और इसका वेट वन एटी फाइव के जी वो आपको पता चलेगा जब आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में इस बाइक को इधर उधर करने का कोशिश करोगे तब तो आप देख सकते हो ये है इसका कुछ राइडिंग पॉस्चर फुट पैक थोड़ा सा आगे है हैंडल बार स्ट्रेच है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भी खुद का हैंड्स को स्ट्रेच करना पड़ रहा है और ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ये कुछ बात है जिलों का बैक पेन का प्रॉब्लम है ये बाइक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब आप इस बाइक को लेके वर्क का रास्ते वर के ऊपर जाओगे तो जो झटका है सीधे आपके बैक पे आएगा तो वैसे तो ये बहुत ही रिलैक्स राइडिंग पोस्टर है आप इस पोस्टर से आराम से इस बाइक को लेके घूम सकते हो और अब इसका साउंड सुना देते हैं सो उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा तो तो कुछ इस तरह है इसका साउंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक ग्रेस्पी नेचर है इस साउंड में तो आप लोगों को ये साउंड कैसा लगा वो सेक्शन में, में मेंशन कर देना तो वही था अंकुर इंजीनियर के शोरूम में आके ये बहुत ही बहुत ही एक्ट्रेक्टिव ब्लैक क्रोम जावा 42 टू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको जावा के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या ई के प्रोडक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अंकुर इंजीनियर्स के कॉन्टेंट्स टाल दूंगा आप बेजग उन लोगों को कॉल कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे शोरूम आ सकते हो दे आर वीटी मच फ्रेंडली आप लोगों को साथ बहुत कोऑपरेट करेगा तो यही था इस बाइक के बारे में और शोरूम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बहुत जगह दूसरे के कॉन्टेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी तब तक तो के लिए स्टे पैन टस्टी कैन की